नमस्कार, मैं हर नारायण, लेक्चरर, गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज दौसा, और मशीन डिज़ाइन के अलग अलग टॉपिक्स के डिस्कशन के क्रम में हम आज देखेंगे कि डिज़ाइन ऑफ पावर स्क्रूज, हाउ द डिज़ाइंस आर कंसिडर्स इन द पावर स्क्रूज। सबसे पहले हम पावर स्क्रूज देख लेते हैं कि पावर स्क्रू क्या होता है। पावर स्क्रूज किसी भी लोड को पिकअप करने के लिए, उठाने के लिए जो जैक यूज में किया जाता है, दैट इज द पावर स्क्रू। इसको मोटराइज्ड भी हो सकता है। पावर जो प्रोवाइड की जाती है हाइड्रोलिक्स के माध्यम से भी की जाती है, न्यूमेटिक भी हो सकता है, इलेक्ट्रिक भी हो सकता है। और बहुत सी बार हम सिंपल जो जैक देखते हैं वो मैकेनिकल जैक्स देखते हैं। तो सिंपल जैक की हम इसमें डिजाइन अगर देखें कि पावर स्क्रू को हम जैक भी कहते हैं। सबसे पहले मटेरियल, किस मटेरियल के बना होता है। स्क्रू इज सब्जेक्टेड टू टॉर्क, एक्सियल कंप्रेसिव लोड एंड बेंडिंग मोमेंट आल्सो। समटाइम स्क्रू आर जनरली मेड ऑफ C13 और C14 स्टील। C30 और C40 ग्रेड स्टील की है। एज द फेलर ऑफ पावर स्क्रूज मे लीड टू सीरियस एक्सीडेंट, हायर फैक्टर ऑफ सेफ्टी ऑफ 3-5 इज टेकन। चूंकि जहां ये यूज में लिया जाता है वह सेफ्टी का बहुत ज़्यादा इशू रहता है, तो इसलिए हम जो सेफ्टी फैक्टर डालते हैं FOS, उसमें 3-5 वैल्यू रखते हैं। थ्रेड्स में फेल ड्यू टू सीयर, विच कैन बी अवॉइडेड बाय यूजिंग नट ऑफ सफिशियंट हाइट। वेयर इज अनदर पॉसिबल मोड ऑफ थ्रेड फेलर, एज द थ्रेड ऑफ नट एंड बोल्ट रब अगेंस्ट ईच अदर। नट्स आर मेड ऑफ softer material than screws, so that if at all the failure takes place, nut fails and not the screw, which is the costlier member and is also difficult to replace. Plastic, bronze or copper alloys are used for manufacturing nuts. Plastic is used for low load applications and has good friction and wear properties. Bronze and copper alloys are used for high load applications. ये इसके materials के लिए different जो components है वो किस प्रकार से किस material के लिए जाते हैं दिखाया गया है, बताया आपको। Main components हम ये देख लें कि main components क्या क्या है screw के। मेन कंपोनेंट्स के अंदर यहाँ आप देखें तो सबसे पहले ऊपर का जो पार्ट है कप ऑफ स्क्रू जैक, जो एक कप टाइप का रहता है, वो सेंट्रली होल रहता है हैंडल। हैंडल के बाद में एंगुलर एरिया ऑफ कॉलर फ्रिक्शन, जहां रेस्ट करता है नट। नट के साथ में नट बॉडी के साथ में जुड़ा हुआ रहता है सेट स्क्रू की मदद से, ताकि रोटेट ना हो सेट स्क्रू। और सेट स्क्रू फ्रेम, जिसको बॉडी भी बहुत बार बोला जाता है, वॉशर, और ये आखिरी वाला नट। तो जो मेन कंपोनेंट्स है इसके, जो बॉडी फ्रेम है, नट है, सेट स्क्रू है, कप है, और हेड है, और हैंडल है। तो इन अलग अलग की जो डिजाइन किस प्रकार से की जाती है, हम सबसे पहले देखेंगे डिजाइन ऑफ स्क्रू एंड नट। स्क्रू वे पार्ट
जिसके ऊपर सिलेंड्रिकल पार्ट होता है और कंप्लीटली थ्रेड्स, स्क्वायर थ्रेड्स पे बनाई जाती है। तो डिजाइन ऑफ स्क्रू एंड नट देखने से पहले हम ये देखेंगे कि इसमें किस प्रकार की स्ट्रेसेस जनरेट होती है। सबसे पहले कंप्रेसिव एंड टॉर्शनल शियर स्ट्रेस इन स्क्रू बॉडी। कंप्रेसिव एंड टॉर्शनल शियर स्ट्रेस इन स्क्रू बॉडी। स्क्रू जो है वह जब रोटेट होगा तो उसके रोटेशन की वजह से टॉर्शनल शियर स्ट्रेस पैदा होगी, शियर स्ट्रेस पैदा होगी टॉर्किंग की वजह से। और एक कंप्रेसिव स्ट्रेस जो डेड लोड या जो लोड उसके ऊपर रहेगा, जिस प्रकार से यह दिखाया गया है लोड डब्लू, उस लोड डब्लू की वजह से पूरे के पूरे स्क्रू के अंदर कंप्रेसिव स्ट्रेस जनरेट होगी। तो दो प्रकार की स्ट्रेस यह जनरेट हुई है। यहाँ इसका डायग्राम दिया हुआ है जिसके अंदर टी टॉर्क से रोटेट करने पर डीसी कोर डायमीटर ऑफ स्क्रू, डब्लू लोड एक्सटर्नल लोड जो जिसके वजह से जो अप्लाई होगा स्क्रू को, और यह है नट। स्क्रू बॉडी सब्जेक्टेड टू एक्सियल कंप्रेसिव लोड डब्लू एंड टॉर्क टी एज शोन इन द फिगर अबव। डायरेक्ट कंप्रेसिव स्ट्रेस। नाउ कंप्रेसिव स्ट्रेस की वैल्यू क्या होगी जो स्क्रू के अंदर रहेगी? सिग्मा सी इक्वल्स टू डब्ल्यू अपॉन फोर पाई अपॉन फोर डी सी स्क्वायर। डब्ल्यू है यहाँ पर जो एक्सटर्नल लोड अप्लाई होगा वह, और डी सी जो है डायमीटर, कोर डायमीटर है स्क्रू की, जिसको मिनिमम डायमीटर भी हम कहते हैं। यह स्ट्रेस, कंप्रेसिव स्ट्रेस यहाँ से हमारे पास कैलकुलेट हो जाएगी, हम निकाल लेंगे। टॉर्शनल शियर स्ट्रेस टाउ इक्वल टू टी जो कि टॉर्क है मल्टीप्लाई बाय आर मल्टीप्लाई डिवाइडेड बाय जे। टॉर्शनल शियर स्ट्रेस वेयर टी इक्वल्स टू अप्लाइड टॉर्क, जे इक्वल्स टू पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया, जो क्या होगा सर्कुलर पोर्शन के लिए पाई डी सी फोर अपॉन 32, और आर इक्वल्स टू हो जाएगा रेडियस है जो स्क्रू के डायमीटर के हाफ हो जाएगा। स्क्रू की डायमीटर कोर डायमीटर मिनिमम डायमीटर को यहाँ कंसीडर करेंगे क्योंकि यहाँ स्ट्रेस सबसे ज़्यादा प्रोड्यूस होगी, इंड्यूस होगी, डी सी अपॉन 2 लेंगे। तो शियर स्ट्रेस यहाँ से हम निकाल लेंगे। द प्रिंसिपल शियर स्ट्रेस इज गिवन बाय, चूंकि यहाँ दो शियर स्ट्रेस, दो स्ट्रेसेस कंबाइन स्ट्रेस का केस ये हो गया है, कंप्रेसिव स्ट्रेस और टॉर्शनल स्ट्रेस का। सो यहाँ हम जो थ्योरी लगाएंगे मैक्सिमम शियर स्ट्रेस की, जिसको मैक्सिमम प्रिंसिपल शियर स्ट्रेस कहे और मैक्सिमम शियर स्ट्रेस कंप्रेसिव स्ट्रेस हम कहें, तो टाउ मैक्सिमम या मैक्सिमम शियर स्ट्रेस इक्वल्स टू इन द स्क्वायर रूट ऑफ सिग्मा सी अपॉन 2 का होल स्क्वायर प्लस टाउ स्क्वायर, ये आ जाएगी यहाँ पे। और यहाँ सिग्मा सी यहाँ से हम कैलकुलेट करेंगे और टाउ यहाँ से जो ऊपर दिया हुआ है यहाँ से सेपरेट कैलकुलेट करके मैक्सिमम शियर स्ट्रेस फाइंड आउट कर लें। ये दिस इज द इंड्यूस्ड शियर स्ट्रेस इन द स्क्रू। नाउ दिस शुड बी लेस देन और इक्वल टू टाउ विच इज द अलाउएबल और परमिसिबल शियर स्ट्रेस इन द स्क्रू मटेरियल। यह हमेशा परमिसिबल स्ट्रेस से सिग्मा मैक्सिमम है परमिसिबल स्ट्रेस से कम होनी चाहिए। इस प्रकार से हम इसको डिजाइन करेंगे। शियर स्ट्रेस इन थ्रेड्स। थ्रेड्स चूंकि शियर आउट हो सकती है एक्सटर्नल लोड डब्ल्यू की वजह से, तो उसके अंदर जो शियर स्ट्रेस प्रोड्यूस होगी उसका कैलकुलेशन के लिए द थ्रेड्स ऑफ द स्क्रू एंड नट आर सब्जेक्टेड टू ट्रांसवर्स शियर फोर्स ड्यू टू लोड डब्ल्यू।
Shear stress is maximum near the root diameter for the threads of the screw. Maximum transverse shear stress in the threads of screw is given by tau h, which is equal to W upon N ka whole upon pi dc b equals to W upon pi dc n b should be less than or equal to tau s, permissible tau s. मतलब है b इक्वल टू थ्रेड थिकनेस एट द कोर डायमीटर. यहाँ जो डिफरेंट डिफरेंट यूज में लिए गए हैं दैट इज द थ्रेड थिकनेस एट द कोर, b इक्वल्स टू थ्रेड थिकनेस एट द कोर डायमीटर एंड नंबर ऑफ थ्रेड्स इन एंगेजमेंट इन द थ्रेड ऑफ द नट. ट्रांसवर्स शियर स्ट्रेस इज मैक्सिमम एट द नॉमिनल डायमीटर at the nominal diameter and is given by tau n equals to W upon pi d n b, which is should be less than equal to permissible tau n. Nut ke liye hai, n for nut or s for screw. So shear stress in screw equal to W upon pi d c n b and shear stress in nut W upon pi d n b. नट के केस में मेजर डायमीटर को कंसीडर करेंगे और स्क्रू के केस में डीसी कोर डायमीटर को हम एडमिट करेंगे. सो इन थ्रेड्स बेयरिंग प्रेशर बिटवीन सरफेस ऑफ स्क्रू एंड नट, द बेयरिंग प्रेशर बिटवीन द कॉन्टेक्टिंग सरफेस ऑफ स्क्रू एंड nut is given by P bearing equal to load upon projected area. Namaste sir. Bearing pressure between surface of screw and nut load upon projected area equals to W 4W upon pi d square minus dc ka dc core ka square bracket n should be less than or equal to p bearing, permissible bearing pressure se kam hona chahiye. Second, this is all about the design of screw and nut. Now डिजाइन ऑफ स्क्रू जैक अलग अलग जो रेशियोस मिलेंगे. स्क्रू जैक इज ए डिवाइस इन विच वे स्क्रू मैकेनिज्म यूज्ड टू रेज और लोअर द लोड. मैनुअली ऑपरेटेड पोर्टेबल टाइप स्क्रू जैक इज द सिंपलेस्ट एंड मोस्ट कॉमनली यूज्ड. इट्स कंस्ट्रक्शन इज शोन इन फिगर 26.1 हियर given. In this, nut is fixed to the frame and remains stationary. When screw is rotated with the help of the handle, it moves axially up and down. A cup is provided at the top to support the load. Cup remains stationary as the screw rotate and they rub against each other. Applied torque has to overcome this friction also, which is known as collar friction, to avoid screw to completely turning out of the nut. Washer is fixed on the lower end of the screw. In order to design a screw jack for a load W, the following procedure may be adopted. Step first, calculate core diameter of the screw. Considering only the compressive stress, so we have talked about it above. Sigma c equal to W upon pi 4 dc ka square should be less or equal to permissible shear stress, compressive stress.
Value of core diameter should be standardized and corresponding values of mean diameter DM and outer diameter D should be taken. Step 2. Calculate the effort at the handle and the torque required to lift load W. So P equals to W10 bracket 5 plus sigma in bracket and TR equals to PDM upon 2. So from here we will calculate load P equals to effort and torque. W given रहेगा और angles should be provided. Step 3 में calculate the direct compressive stress and torsional stress, shear stress and find the principal shear stress. Sigma C बराबर W upon pi बटे 4 DC का स्क्वायर and tau equals to TR upon J. Then tau max equal to this. We have discussed it about this before. Find the height of nut H considering the bearing pressure on the nut. P bearing same. Calculate the number of threads N required for given allowable bearing pressure by using equality sign in above relation. Then height of the nut H equal to number of threads multiplied by pitch equals to NP. Check the shear stress in the threads of screw and nut. Tau S equals to this. Note that allowable value of shear stress is different for screw and nut as different materials are used for them. Point 6. Find the outer diameter D of the nut by considering its tearing failure. Sigma tearing equals to W upon pi upon 4 D ka square minus D square. Should be tearing stress, allowable tearing stress. Find out diameter of the nut collar D1 considering crushing failure of the nut. C crushing equals to W upon pi by 4 D1 ka square minus D square, which is should be less than or equal to tearing stress. Find thickness of the nut collar T considering shear failure of the collar, which is shear stress equal to W upon pi dt should be less than permissible shear stress. Point number 9 में हम calculate करेंगे assume outer and inner diameter of cup coming in contact with the head as outer diameter equal to D outer equal to 1.6 D, inner diameter equal to DI equal to 0.8 D. Calculate the torque required to overcome collar friction. Collar friction को outcome करने के लिए overcome करने के लिए जो friction require होगा UW mu W D outer plus DI. Mu है यहाँ friction coefficient, तो mu W D outer plus D inner upon 4 और total torque required हो जाएगा W load को उठाने के लिए T equals to TR plus T collar. So this is the total torque is to applied with the help of hand lever assuming that a force of 300 Newton approximately can be applied by hand required length of the handle is then given by L length of lever equal to 300 divided by T. So from here length of the handle can be calculated. Calculate
डायमीटर ऑफ द हैंडल डीएच कंसीडरिंग इट बेंडिंग, बेंडिंग के अंदर हम इसको फेल होने पर डिजाइन करेंगे तो बेंडिंग स्ट्रेस इक्वल टू बेंडिंग मोमेंट मल्टीप्लाई बाय y डिवाइडेड बाय i व्हिच इज शुड बी बेंडिंग स्ट्रेस। m बेंडिंग मोमेंट हम फाइंड आउट करेंगे तो इक्वल टू p लेंथ ऑफ हैंडल मोमेंट ऑफ इनर्शिया बाय d4 अपॉन 32। डिस्टेंस ऑफ फास्टेस्ट फाइबर फ्रॉम द न्यूट्रल एक्सिस y इक्वल टू ds अपॉन डायमीटर का हाफ लेंगे। टेक हाइट ऑफ द लॉट इक्वल टू 2 dh। चेक द स्क्रू फॉर बकलिंग, इफेक्टिव और अनसपोर्टेड लेंथ ऑफ द स्क्रू इज गिवन बाय l इक्वल्स टू डिस्टेंस ऑफ राइज प्लस हाइट ऑफ द नट बटे 2। क्रिटिकल लॉट इज गिवन बाय W critical equal to A SY in bracket 1 minus SY upon 4 pi 4 and pi square E L capital L upon K ka square। यहाँ SY yield strength of screw material, E modulus of elasticity of screw material and end fixity coefficient equal to 0.85 for one end fixed लोड फ्री एंड के रेडियस ऑफ गायरेशन इक्वल्स टू 0.25 डीसी। ए इक्वल्स टू क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ स्क्रू। दिस क्रिटिकल लोड मस्ट बी हायर देन द लोड फॉर विच द स्क्रू इज डिजाइन्ड एंड इन द एंड ऑफ स्टेप ड्रा द स्केच ऑफ द स्क्रू जैक शोइंग ऑल इट्स डायमेंशंस। Find efficiency of screw jack. So some more dimensions if you want to calculate, some relations are also given. Okay, thank you.